अद्धी रात नूं इलाके दे विच उस वक्त सनसनी फैल गई जदों एक व्यक्ति दा तेज तार हथियारां नाल कतल कर दिता गया। दस दिए कि इस व्यक्ति दे वल्लों करे फोन पहला किया जाता है कि वह घर थोड़े ही समय तक पहुंच रहा, पर कुछ ही मिनटा बाद परिवार नूं अजिही खबर मिली कि परिवार ते पैरा हेठों जमीन खिसक गई। दसती है कि इस व्यक्ति का अणपछाते व्यक्तियों के फलों तेज तार हथियारों नाल कत्ल कर दिता गया। मृतक की पहचान प्रमोद कुमार वजो हुई है। परिवार के वलों दसिया गया कि प्रमोद कुमार मुगल माचरा रोड से पेंदे एक फर्निश इकाई विच काम करता है। उसने रात अपनी ड्यूटी खत्म करने तो मगरों घर फोन करके कहा कि वह किसी व्यक्ति नूं छड़ के आवेगा, पर कुछ समय बाद उन्होंने पता लग्या कि प्रमोद दा किसी ने कत्ल कर दिता। उसकी लाश नैशनल हाईवे दे नाल सर्विस रोड ते पई हुई है। जो जाके देखा तो खून के नाल लथपथ लाश सी। प्रमोद दी जेब विच पैसे मोबाइल ते होर समान उवें ही पिया सी। उन्होंने शक जाहिर करते हुए कहा कि यह कोई लुट्टी नीयत के नाल कतल नहीं किया गया, जबकि इसकी डूंघाई के नाल जांच होनी चाहिए है ते जल्द सच सामने आना चाहिए है। अधी राम जी कुमार को मैं 7:18 में फोन किया है। उस टाइम में गैस के चूल्हा ख़राब हो गया था। उस टाइम मैं फ़ोन किया तो बोले मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। हम बोले ठीक है आइए, मैं भी रूम पर इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं चूल्हा बनाने आए हैं। बोला ठीक है चलो। उसको बाद मैं बच्चा का अपना ले लिया गोद में। मेरा घरवाली खाना बनाने लगी, वो बना रही तब तक दीदी लगती है, इनका लड़की दीदी लगती है, वो भाग करके आई, देखो ऐसा ऐसा हो गया, वो चाकू मार के फ़ोन किया। मैं बोले उसको, हम बोले क्या हो गया, कहाँ पर है? बोलता है फलना जगह बताया सर रिपोर्ट। मैं वहीं से भाग करके इनको लड़की और मैं साथ में इनको फ़ोन किए तो दौड़ करके भाग करके आए तो सारे आदमी के फिर फ़ोन करके फिर बुलाने लगे। मैं क्या नाम था इनका? इनका प्रमोद कुमार। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार का। और काम कहाँ करते थे? काम बरूनी स्टील में। पैसा मोबाइल एयरफोन गाड़ी सारा चीज़ों सब कुछ हमारा जवाही लगता है। मामला जी, और ड्यूटी से आ रहे थे, किसी लड़के ने बोला कि चलो अब मैं बजरा छोड़ दो। वो फोन पर ही बता रहे हैं कि वो बोला किसी से मैं छोड़ने जा रहा हूँ, और लड़का का पता नहीं चला कि वो कहा है कौन। और उतने 10 मिनट के बाद में मेरे पास फोन आया कि उनको किसी ने हत्या कर दिया है, काट दिया। फिर मैं वहाँ से भाग के आया। मैं भी ड्यूटी से भी छुटके किया था जी, भाग के आए थे। देखे बस गली कटी, गला कटा हुआ, चक्कू 15-16 चक्कू से वार किया हुआ शरीर में था। बाकी अभी तक ये पता नहीं चला कि वो कौन ऐसा किया। कुएं ऐसी उनकी बिल्कुल साऊ आदमी थे, दो गालियां किसी ने दे दी तब भी वो सहन कर लेते थे। वो लड़का वैसी नहीं है किसी से, कोई ऐसी पर ये जो अंजाम दिया है, जो अंदर की बात नहीं कि अंदर से कौन ऐसी इतना बड़ा दुश्मनी दिया। नहीं, लूट की मामला नहीं है जी। मोबाइल उनका वहीं पड़ा हुआ है, जो पैसे था जेब में ही पड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल की चाबी भी लगा हुआ है, मोटरसाइकिल वहीं गिरा हुआ है जी। लूट का ऐसी कोई मामला नहीं है। वो किसी ने इतना बोल के लाया कि हमको कहीं छोड़ दो, और 3-4 बंदे और लगाया हुए हैं, क्योंकि एक बंदे की बात नहीं है जी। इतना बड़ी चक्कू भी मिला है, करीबन 8-9 इंच का चक्कू भी वहाँ पर पड़ा हुआ था जिससे हत्या किया गया था जी। फैक्ट्री से निकलने के बाद में मेरे लड़की के पास में लड़की ने फ़ोन किया, वो बोले आ रहा हूँ किसी को छोड़ के। और उतनी देर में एक पड़ोसी ने बगल में रहती है, अपने पारिवारिक तरह है, वो फ़ोन की तो बोली अम्मे मैं किसी से जा रहा हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन ये नहीं उसकी नाम बता देते सर। तो अभी तक सोल्व हो जाता कि वो किसने कौन था जो हत्या किया है, वही लड़के का मेन साजिश है ये, वो अभी तक हाथ नहीं आया। नहीं जब भी कोई पता नहीं चला। बाकी ये उन्होंने कह रहे हैं प्रशासन ने कि मैं छानबीन कर रहा हूँ, जल्द से जल्द इसकी पकड़ में लाएंगे। आपको किसी को शक है? नहीं जी, मेरा कोई चीज़ शक नहीं। राती कंप्लेंट एक इनफॉरमेशन मिली सी सानू, और उस दे उत्ते SHO और DSP साहब मौके पर पहुंचे सी। मामले की जांच कर रहे, तेज धार हथियार नाल हमला किया गया सी। सो सारे जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन वो इन प्रोसेस है। प्रमोद कुमार है ठीक है, और ये हाईवे दे नेड़े किथे कोई मामला होया आपां जांच कर रहे हैं, उस दे बाद दसेंगे। राम जी।